डैडी का इंटरनेट चल कैसे रहा है? इनकी रोमिंग तो ऑन करवाई भी नहीं थी भाई। चुप कर बे कुत्ते। और यहाँ पे इंडियन वाले आपकी शक्ल देख के इंडियन रेस्टोरेंट में बुलाएंगे, बिल्कुल नहीं घुसना उसमें। पूछा मैंने कुछ? Everyone and welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So day 2 in Singapore start हो चुका है। कल हमने मरीना बे सैंड, NBS मॉल और क्या है मेरिलिन पार्क कवर कर दिया था। उसके बाद मेरे पेरेंट्स कह रहे थे भाई देख लिया अब थक गए हैं, अब चलते हैं घर। खाना खाने कहीं रुके उन्हें पसंद नहीं आया, क्योंकि ये तो है ही है कि देसी फैमिलीज कभी भी बाहर जाती है एक रप्पड़ जो होता है ना पूरे टेंशन खाने की होती है। अभी भी हम सुबह से लेके किचन में ही हैं, कभी रोटियां बना रहे हैं, कभी राजमा बना रहे हैं, कभी चावल बना रहे हैं। जबकि मैं और दीदी कुछ होते तो हम अपना ही नॉर्मल जुगाड़ करके खा पी लेते, पर पूरे घर वालों के साथ आते हैं तो फिर इतना सैक्रिफाइस करना ही पड़ता है। तो इतना कम नहीं है, खैर बहुत है, इसी में पूरा टाइम खोटी हो गया। और अब बच गए हैं 4 एंड फाइनली मौसम थोड़ा साफ हुआ है, बारिश हो रही थी। और अब हम सोच रहे हैं कि कहाँ दूर तो कहीं जाएंगे नहीं तो क्लार्की और बोर्ड की घर वालों को घुमा दें, क्योंकि बहुत अच्छा व्यू है वहाँ से। यूरोपियन स्टाइल के वहाँ रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं विच आई थिंक दे विल लाइक, आई डोंट नो। बाकी चलते हैं और देखते हैं कि उन्हें सिंगापुर कैसा लग रहा है। रेडी? जहाँ ले जाओगे। कहाँ जा रहे हो जतिन? जहाँ ले जाओगे। ऐसे ढिल्ले बंदों को कहाँ लेके जाओ, चलो ऊपर कमरा आपका इंतजार कर रहा। जाओ डैडी का इंटरनेट चल कैसे रहा है? इनकी रोमिंग तो ऑन करवाई भी नहीं थी भाई। चुप कर बे कुत्ते। जल्दी मैं उपासना अपना MRT कार्ड छोड़ आई है। और यहाँ पे एक अच्छी चीज है कि यू डोंट हैव टू गेट द कूपन्स, आपका जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड व्हाटएवर यू यूजिंग यू कैन यूज इट इन द MRT एंड द बस इटसेल्फ। स्पेशल एरोज बने होते हैं ना, यही खड़ना होता है बीच में, वहाँ से निकलने का रास्ता है एंड एरोज में हमने साइड पे खड़ना ताकि हमारे लिए लाइन बच जाए। मैंने कुछ पूछा? पूछा मैंने कुछ? ये है वो जगह जहाँ पे यूरोपियन स्टाइल में सारे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, बाहर बैठो। और यहाँ पे इंडियन वाले आपकी शक्ल देख के इंडियन रेस्टोरेंट में बुलाएंगे, बिल्कुल नहीं घुसना उसमें, क्योंकि अभी हमने राजमा चावल दफे हैं। बोट की जहाँ में बोटें चलती हैं, अब इसका नाम क्यों रखा है बोट की मुझसे कोई मत पूछे, ये मुझे भी नहीं पता। वाह क्या सीन है। बट यहाँ से जो अमेजिंग सा व्यू आता है वो उसकी बात ही कुछ निराली है। अभी वीकडे है एंड क्या टाइम हुआ है, एंड अभी 5:12 हो गया, तो वही ऑफिस आज चल रहे हैं, नहीं तो शाम में इधर बहुत रश होता है। देखिए वो लॉबस्टर क्रैब्स वगैरह सब खा जाता है, खा जाते एक कीड़ा एक बंदा खा जाए। हाँ मम्मी मार देगी मैं हूँ, चिकन की मैं खाते हो मार के खाते हो ना, वो इतने सब्जी बनती होती जिंदे वो दिखा रहे सानू की फ्रेश चक के बनावांगे। चल झूठा जही, जहाँ पे भी कहीं रुकते हैं वहाँ पे आ जाओ आ जाओ आ जाओ की आवाज पहले आने लग जाती है। रेडी आपका फेवरेट बैंक क्या है? यूको बैंक। यूको बैंक सामने। अब भाग के जाएंगे, अब हर कहीं स्टॉप मार रहे थे फोटो खींचने के लिए, अब फटाफट भागेंगे। वो देखो हिंदी च लिखा है। पहला क्वेश्चन है कि जैसे इंडिया में है पंजाब में यूको बैंक के कर्मचारी थोड़े स्लो है, इधर भी क्या वैसे स्लो लोग होंगे? रेडी रेडी ना, सब चलता फट 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 खाता कैसे ना। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? मम्मी बिल्डिंग का नाम ही भारत बिल्डिंग रखा हुआ है। हमने पहले देख लिया मैम, आपका साबुन स्लो है। तो जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। ये है बोट की, पिछला क्या था क्लार की। ये सबसे 5-स्टार होटल है मम्मी यहाँ का। ये है क्रिकेट क्लब यहाँ का, नहीं मेंबरशिप हो तभी खेल सकते हैं। नेशनल आर्ट म्यूजियम यहाँ पे फ्री एंट्री है, जतिन तो खुश हो जाएगा यहाँ पे फ्री एंट्री है देख के। देखो यहाँ पे वो ब्राइड एंड ग्रूम फोटो शूट करवा रहे हैं मम्मी, यहाँ पे वो देखो प्री वेडिंग शूट या पोस्ट वेडिंग शूट, सब वेडिंग शूट सब होता है। जेल जनीम, जेल तो मतलब एक पार्ट है,
आपको दिखाते हैं म्यूजियम में कि सिंगापुर में ऐसी चीजें हैं। कॉप्स बोलेंगे तो नहीं, कॉप्स बोलेंगे तो नहीं, पुलिस से कॉप्स पे आ गया। सिंगापुर में ऐसे से जेल होते हैं, देख रहे हो? वॉशरूम भी होते सी, विच वॉशरूम इस तरह होते सी, तो हुन भी इदा ही होते होंगे कि नहीं? हाँ, कदों ने वो बाहर रखा है। मतलब मन ही नहीं कर रहा कि कहीं और जाके बैठो। लेजर शो का हम वेट कर रहे हैं पिछले आधे घंटे से, बट स्टार्ट नहीं हुआ, 8 बजे स्टार्ट होगा, बट ऐसा नहीं लग रहा कि ये कभी ख़त्म ही ना हो और बस हम देख ही जाए। यार कितना खूबसूरत लग रहा है, वाओ।